तो बिना चाशनी के और बिना सूजी को पकाए आज हम बनाने वाले हैं सूजी के लड्डू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेशमास टेस्टी फूड चैनल में। आज मैं अपने मम्मी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दिवाली स्पेशल आज हम बनाने वाले हैं सूजी के लड्डू। मुंह में जाते ही घुल जाने वाले सूजी के लड्डू की रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। बाहर से हल्के से सख्त और अंदर से एकदम से सॉफ्ट और कलर में भी एकदम वाइट दिखने के लिए कौन से टिप्स की ज़रूरत है, मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ 250 ग्राम इतनी ही सूजी ली है, मेजर करके मैंने 250 ग्राम इतनी सूजी ली। अगर आप एक किलो के हिसाब से बनाना चाहते हो तो एक किलो सूजी लीजिएगा, लेकिन आप इसे थोड़े थोड़े पोर्शन में बनाएंगे तो अच्छे से बन भी जाएंगे, क्योंकि सूजी ठंडी होने के बाद आपको दूध ज़्यादा डालना पड़ेगा और आपके लड्डू बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे। तो 5 मिनट मैंने ऐसे ही भुना। इसे ऐसे ही भुनने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून इतना तेल डाला। आप तेल डाल सकते हो, घी डाल सकते हो। जब तक सूजी ठंडी थी तब तक मैंने इसमें 3 टेबलस्पून इतना तेल डाला। अब इसे 10 मिनट हो गए हैं और लो गैस की फ्लेम पर ही इसे मैं कंटिन्यूसली ऐसे भून रही हूँ। तो 10 से 12 मिनट के बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून इतना घी डाला और फिर से हम इसे भून रहे हैं। अगर आप सूजी अच्छे से भूनेंगे नहीं तो वो खाने के लिए अच्छी नहीं है। तो ये 1/2 किलो सूजी को भूनने के लिए मुझे करीब 20 से 22 मिनट लगे और आपको हर 5 से 6 मिनट के बाद इसमें घी डालना है। अगर आप मीडियम या फिर हाई गैस की फ्लेम पर इसे भूनेंगे तो सूजी को एक कलर आ जाएगा, लेकिन वो अच्छे से पकेगी नहीं। तो फिर से मैंने इसमें 1 टेबलस्पून इतना घी डाला। अगर आप 1 किलो सूजी के इकट्ठा लड्डू बनाएंगे तो सूजी ठंडी होने के बाद लड्डू अच्छे से बनेंगे नहीं, तब आप उसमें दूध एक्स्ट्रा डालेंगे और एक्स्ट्रा दूध डालने के कारण आपके जो लड्डू है वो काले दिखेंगे। तो लड्डू का कलर वाइट रखने के लिए आपको 1/2 किलो इतनी ही सूजी लेकर लड्डू बनाने होंगे। तो 1/2 किलो सूजी के लिए आपको करीब 60 ml इतना घी या फिर तेल लगेगा, और यही अगर आप 1 किलो सूजी के बना रहे हो तो आपको 1/2 किलो इतना घी या फिर तेल लगेगा। आप इसे बटर के साथ भी बना सकते हो, टेस्ट थोड़ी सी अलग आएगी। ठंडे होने के बाद एक अच्छा सा बाइंडिंग आने के लिए इसमें घी या फिर बटर या फिर वनस्पति घी का होना ज़रूरी है। आप इसे सिर्फ तेल में बनाएंगे तो अच्छा सा बाइंडिंग नहीं आएगा। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब इसमें डालना है हमें पीसी हुई चीनी, तो उसे भी हम ग्राम्स में मेजर करके लेंगे। तो 1 किलो सूजी के लिए हमें लेनी है 750 ग्राम इतनी पीसी हुई चीनी, और 1/2 किलो के लिए मैंने यहाँ पर 180 ग्राम या 187 ग्राम इतनी पीसी हुई चीनी ली है। तो पीसी हुई चीनी भी हमें छन्नी से छान कर डालनी है, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े या छोटे छोटे खड़े बन चुके हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पीसी हुई चीनी ली थी 187 ग्राम, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमारी सूजी गर्म होती है तभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो इसमें मैंने इलायची की पाउडर डाली है 1/2 टीस्पून इतनी, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। सूजी को भुनने के बाद ही इसमें इलायची के पाउडर मिक्स कीजिए, और यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ 3 टेबलस्पून इतना ही दूध डाला है। आप पानी भी डाल सकते हो, 3 टेबलस्पून मतलब 40 से 50 ml इतना दूध। आप जितना कम दूध या पानी डालेंगे उतने ही सफ़ेद आपके लड्डू दिखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मेरा लड्डू बन के तैयार है। 3 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक ये लड्डू की सेल्फ लाइफ है। तो 1/2 किलो सूजी में 8 बड़े साइज़ के लड्डू बनके तैयार हुए हैं और इतनी सूजी बाकी रह गई है। तो अगर आप इतने बड़े साइज़ के लड्डू बनाएंगे तो 1 किलो में आपके 33 लड्डू तो बनकर तैयार हो जाएगा। इस दिवाली इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ साथ।